शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये रास्ता हमें जरूर आबादी की तरफ ले जाएगा। आप रास्ता देखिए राजकुमार, मैं खुदा को याद करता हूँ, वो हमें जरूर रास्ते से मिला देगा। अब की बार सही लगा मेरा निशाना है? अब मैं इसकी आंख पे मारूंगा। इसने किसी गुलेल से सिपाही की आंख फोड़ी थी ना? छोड़ो मुझे। सिपाही, तुम लोग भाई साहब से जाके मेरी तारीफ करना है, तारीफ करना, कहना कि सेनापति सुजन सिंह जी पक्के निशानेबाज हो गए। अरे नामाकुल, हिलता क्यों रहता है तू? तो फिर मेरा निशाना गलत हो जाता है ना बेवकूफ। लाओ, अरे हाथ क्यों मिला रहा है पत्थर पे? अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागा जा रहा है मेरा निशाना, भागा जा रहा है। अगर किसी ने इस मासूम पर हाथ उठाने की जरूरत की तो जालिम के हाथ काट दूंगा। एक बागी की हिफाजत करने की सजा जानते हो? हमारे राज में जुल्म करने की सजा जानते हो? तुम्हारा राज? तुम्हारा राज कौन हो तुम? अरावली का राजकुमार। राजकुमार? अरावली का राजकुमार? अरावली का राजकुमार? ठीक है, मैं अभी जाके भैया को खबर देता हूँ। चल सजनी, चल भैया के, अरे चल भैया के पास चल। इसे सुबह राजकुमारी के हमाम में मिला देना। क्यों हुकुम महामंत्री जी? और ध्यान रहे, संगीत लगातार बजता रहना चाहिए। जी। ये लो। एक रात की बात है भैया, वहां के कहूं? जो कहना है जल्दी कहो, और भैया नहीं महामंत्री कहो। महामंत्री जी, दीवारों के भी कान और दरवाजों की भी दबान होती है। हुआ क्या? अरावली का राजकुमार वापस आ गया है। पर वो तो सुल्तान गौरी की कैद में था। लगता है उसका खून भी उसके बाप के कातिल के हाथों लिखा है। राजकुमार? ताईमा, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा दोस्त अली। बेटा हिम्मत कहाँ है? ये तावीज याद है ताईमा? हाँ याद है, तुमने हिम्मत से एक बार इसे लेने की जिद की थी तो कितना झगड़ा किया था उसने। कहता था राजकुमार मांगे तो जान दे सकता हूँ, लेकिन ये तावीज नहीं दे सकता। आज दे दिया ताईमा। हिफाजत करते हुए शहीद हुआ ना राजकुमार? हाँ ताईमा। तुम्हारी हिम्मत की मौत हम पर कर्ज है पन्ना। किसी दिन इसके बदले
अगर तुमने हमसे राजकुमार की जिंदगी भी मांगी तो हम दे देंगे। होना तो ये चाहिए था, 12 साल बाद अपने राजकुमार के लौटने की खुशी में अरावली में दीपावली मनाई जाती, मगर थंबौर की राजकुमारी ने महाराज को मृत्यु दंड देकर अरावली के सारे चिराग बुझा दिए। महाराज की समाधि का ये चिराग तभी जलेगा राजकुमार, जब थंबौर के सारे चिराग बुझा दिए जाएंगे। आपके चरणों की सौगंध रानी मां, मैं अपने इंतकाम की तलवार थंबौर की छाती में इतनी गहरी गाड़ दूंगा कि थंबौर की आने वाली नस्लें सदियों तक उसे निकाल नहीं पाएंगी, और तभी मैं अपने पिता की समाधि पर चिराग जलाऊंगा। यह मेरा वचन है। राजकुमार के! राजकुमार के! राजकुमार, ये थंबौर का परचम है। हाँ क्यों? यहाँ के वजीर का नाम दुर्जन सिंह है। शायद तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आपको पता है मुझे सजाए मौत किस लिए मिली थी? किस लिए? इसी दुर्जन सिंह की वजह से। ये उन दिनों की बात है जब दुर्जन सिंह हथियार खरीदने के लिए हमारे सुल्तान के पास आया करता था। दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, तुम्हारी दोस्ती से हमें बहुत फायदा है। हमें अपने हथियारों की दुगनी कीमत वसूल हो रही है। तुम्हें दुगनी कीमत मिली और हमें चौगनी दलाली। फायदा दलाली में ही है सुल्तान, फायदा दलाली में ही है। अब वो दिन दूर नहीं जब थंबौर का खजाना खाली हो जाएगा और हमारा लबालब, तब थंबौर पर हमारा कब्जा होगा, तंबोर का राजा हमारी कदम और तंबोर की राजकुमारी हमारी। दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, इन्हें आरामगाह तक पहुंचा दो। उस्ता की माफ हो तो कुछ अर्ज करूं सुल्तान। बोलो क्या बात है? हमारे मजहब में नमक हरामी सबसे बड़ा गुनाह है। क्या मतलब? जो शख्स अपने मालिक का नमक खाकर उससे गद्दारी करे, वो दोस्ती तो क्या, दुश्मनी का भी हकदार नहीं रहता। ये हरामजादा छुप कर हमारी बातें सुन रहा था। मुझे इसका इरादा ठीक नहीं लगता सुल्तान। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दुर्जन सिंह, तुम्हारी दोस्ती पर ऐसे हजारों गुलाम कुर्बान। ले जाओ इस गद्दार को, इसे मौत की सजा दी जाती है। ले जाओ। बहुत पछताओगे सुल्तान, मेरी बात ना मानकर बहुत पछताओगे। जिस मकसद से तुम यहाँ आए हो राजकुमार, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर एक बात याद रखना कि गुस्सा शैतान का गुलाम है। कहीं ऐसा ना हो कि साजिश दुर्जन सिंह की हो और सजा राजकुमारी को मिले। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके पीछे कोई खुफिया रास्ता होना चाहिए। आप दरवाजा ढूंढिए राजकुमार। Thank you.
कातिल जरूर है, लेकिन तुम किसी का कत्ल करवा सकती हो इस पर यकीन नहीं होता। ये होंठ जो पंछी के जख्म का मरहम बन सकते हैं, किसी की मौत का हुक्म नहीं दे सकते। कौन हो तुम? अरावली का राजकुमार, हमारा शत्रु। हम तुम्हें कैद करके तहखाने में डलवा देंगे, मगर हम तुम्हें आगोश में लेना क्यों चाहते हैं? हम तुम्हें सरेआम कोड़े लगवाएंगे, मगर हम तुम्हें चूमना क्यों चाहते हैं? तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करके हमें बेहद खुशी होगी, मगर हम तुम्हारी बाहों में टूटकर बिखर क्यों जाना चाहते हैं? हम तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं राजकुमार, मगर हम तुमसे बेइंतहा प्यार क्यों करना चाहते हैं? सुना था जब नफरत हद से गुजर जाती है तो मोहब्बत बन जाती है। आज देख रहा हूं, मैं तो तुम्हारे प्राण लेने आया था राजकुमारी। तो लेते क्यों नहीं? देखना चाहता हूं जिसकी नफरत का ये आलम है उसकी मोहब्बत कैसी होगी। भाइयों, इसे गिरफ्तार कर लो। जनान खाने में आंखें नहीं खोल सकता, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। नहीं खोलेगा तो हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएगी बेवकूफ। लाहौल बिलाकुबल, एक औरत के हमाम में तलवारबाजी, अगर मेरे उस्ताद को पता चल गया ना तो जिंदगी भर मेरी शक्ल नहीं देखेगा। अबे यहाँ से निकल पाएगा तो शक्ल दिखाएगा। भाई एक बार फिर गौर से देखो, लड़कियां चली गई, दिख तो नहीं रही कोई भी। शुक्रिया। अरे राजकुमार बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है, कौन है ये? इसे यहाँ नफरत कहते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। तोबा, जल्दी निकल चलो यहाँ से। भाग कर कहाँ जाऊँ राजकुमारी, मैं तो तुम्हारी आंखों में डूब चुका हूँ। अब क्या हुआ? अरे चलो राजकुमार यहाँ से। दिल देकर जा रहा हूँ राजकुमारी, दिल लेने फिर आऊंगा। दिल लेने आओगे तो सर देकर जाना होगा। अरे पीछा करो इनका।